the Rudrinath. These three are very close friends since their childhood, and all of them are living in this village known as Dry District. Dry District. Why this village is called Dry District? Because rainfall जो होता है इस गांव में वो बहुत कम होता है और साल भर में ये एक ही बार ऐसा होता है कि अपनी जो lands हैं, जो farms हैं, जो खेत हैं उसमें अपनी फसल उगा पाते हैं और उससे साल भर का राशन पानी खाना पीने की जरूरत की चीजें जुटा पाते हैं, कमा लेते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीन दोस्त हैं, दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको 2010 की, 2010 की बात कर रहा हूं मैं। 2010 में ये तीन दोस्त हैं, तीनों एक गांव में रहते हैं ड्राई डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ड्राई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पानी नहीं होता है, साल में सिर्फ एक ही बार खेती करते हैं। इसी प्रकार से इनके फादर्स ने, फोर फादर्स ने अपनी जिंदगी गुजारी थी, उसी प्रकार से ये भी बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। साल भर में एक बार फसल उगाते हैं और उससे साल भर का अपने दो वक्त का खाना जुटा लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? बट लक्ष्मीनाथ इज अ करेजियस पर्सन। उसने बोला मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं बिता सकता, मैं अपने लैंड को बेच दूंगा और मैं लैंड को बेचकर शहर चले जाऊंगा। बट बद्रीनाथ एंड दरिद्रनाथ ने उसको बोला कि तू अपने पूर्वजों की जमीन अगर बेच देगा तो ये बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसा मत करना। बट लक्ष्मीनाथ वॉज अ करेजियस पर्सन, ही सोल्ड हिज लैंड एंड वेंट टू मेट्रो सिटी कॉल्ड मुंबई। ओके, बिफोर दैट ऑल ऑफ थ्री पर्संस पोसेस 5 acres ऑफ लैंड इन देयर विलेज, 5 acres ऑफ लैंड एंड द वैल्यू ऑफ लैंड इज 20 lakhs पर एकड़। 20 lakhs a acre was the value of their land. So, in a way, all of them is a crorepati. 20 lakhs into 5 acres is 1 crore. So, तीनों करोड़पति होने के बावजूद अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे थे और जी रहे थे। बट लक्ष्मीनाथ ने क्या किया, अपना लैंड बेचा और वो मेट्रो सिटी में चला गया। कब की बात है ये, 2010 की। और आज कौन सा ईयर चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो 10 साल बाद हम आज का सिनेरियो देखेंगे कि क्या होता है। नाउ आफ्टर 10 इयर्स वही विलेज है ड्राई डिस्ट्रिक्ट। इस ड्राई डिस्ट्रिक्ट में एक वाइट कलर की मर्सिडीज कार आकर रुकती है, उसमें से एक जेंटलमैन एक लेडी उतरती हैं। जेंटलमैन के हाथों में, फिंगर्स में पूरी 10 रिंग्स हैं, गोल्ड के बैंगल्स हैं, कड़ा बोलते हैं हम, और जो लेडी हैं उनके भी हाथों में बड़े बड़े इतने पूरे यहाँ तक पूरे बैंगल्स लगे हुए हैं गोल्ड के, पूरे फिंगर्स में 10 रिंग्स हैं, गले में बहुत नेकलेसेस हैं पूरे गोल्ड के, कमर में पूरे राउंड्स हैं गोल्ड के, जैसे गॉडेस लक्ष्मी होती हैं पूरी वैसे ही वो दिख रही थी। और ड्राइवर उतरता है, सामने से दो छोटे छोटे बच्चे उतरते हैं, तो पूरे गांव वाले उनको घेर लेते हैं। बद्रीनाथ और दरिद्रनाथ भी जाते हैं और देखते हैं कि कौन आया है। तो वो देखते हैं कि उनका दोस्त लक्ष्मीनाथ आया है जो 10 साल बाद आया है। तो बद्रीनाथ और दरिद्रनाथ जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं तू क्या चोर या डाकू बन गया है, तूने वहां पर क्या चोरी करना चालू कर दिया है, तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो लक्ष्मीनाथ बोलते हैं नो, आई एम नॉट डूइंग एनी दिस काइंड ऑफ बिजनेस, आई एम नॉट अ थीफ, आई एम नॉट अ डाकू, मैंने जो बिजनेस किया उससे मैंने ये अर्न किया, आई टोल्ड यू दिस स्टोरी टुमारो। तो नेक्स्ट डे दोनों बैठते हैं, तीनों बैठते हैं और लक्ष्मीनाथ बताता है कि जो मेरे पास लैंड था वो मैंने 1 crore rupees में सोल्ड किया था और ये सोल्ड करके मैं मुंबई चला गया। मुंबई में अपने फ्रेंड की हेल्प से मैंने उस पैसे को बैंक में रखा और मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मैंने कहाँ जॉब किया, मैंने एक गोल्ड मर्चेंट के पास जॉब ज्वाइन किया, उससे वहाँ पे मैंने सीखा कि गोल्ड कहाँ से खरीदा जाता है, उसको कैसे नेकलेस वगैरह बनाए जाते हैं, कौन कारीगर उनको बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे बेचा जाता है, वो मैंने सब सीखा और मैं बहुत अच्छा काम सीख गया। तो एक साल बाद मैंने पास जो पैसा था 1 crore rupees वो लेकर मैंने एक शॉप स्टार्ट करी एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। आफ्टर 10 इयर्स आई हैव 10 शॉप्स, अ चेन ऑफ 10 शॉप्स इन मुंबई। आई पोसेस 4 big bungalows, मेरे पास बड़े 4 कुत्ते भी हैं, 5 बड़ी गाड़ियां हैं, 25 नौकर हैं और ये सब मैंने इन 10 ईयर्स में अचीव किया है। तो ये अपनी स्टोरी बताता है। तो बद्रीनाथ और दरिद्रनाथ बोलते हैं वाह यार तूने तो बहुत अच्छा किया, हम तो यहाँ पर ऐसे ही रह गए और ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर। और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि हमको भी ऐसा कुछ काम कर लेना चाहिए था।
बद्रीनाथ अपनी वाइफ के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं भी अपना लैंड बेच दूंगा और ऐसा ही कुछ काम करूंगा जो लक्ष्मीनाथ ने किया। बट उसकी वाइफ बोलती है कि उसके पास तो उसका फ्रेंड था, उसने हेल्प करी, उसको नॉलेज हो गया और उसका काम सक्सेसफुल हो गया। अगर आपका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो बद्रीनाथ बोलता है ठीक है, मैं लक्ष्मीनाथ के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ऑफर करता हूँ। तो बद्रीनाथ जाता है लक्ष्मीनाथ के पास, बोलता है जो 5 acres ऑफ लैंड था आज उसकी वैल्यू 40 lakhs है, अगर आज मैं लैंड को बेचूंगा तो मेरे पास 2 crore है, मैं तुम्हें 2 crore rupees दे रहा हूँ और तुम मुझे अपना पार्टनर बना दो। लक्ष्मीनाथ बोलता है नहीं दोस्त, मेरे को अभी पार्टनर की जरूरत नहीं है और मेरे को पैसों की भी जरूरत नहीं है, बट अगर तेरे को कुछ चाहिए तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। तो मुंबई या मैं तेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा और जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं तुझे हेल्प करूंगा। तो बद्रीनाथ एग्री हो जाता है और वो भी मुंबई चले जाता है अपने 2 crore rupees का लैंड बेच के। तो बद्रीनाथ के पास 2 crore का लैंड होता है, 2 crore का लैंड है किसके पास, बद्रीनाथ के पास, सॉरी 2 crore rupees है बद्रीनाथ के पास। देन सबसे पहले क्या करते हैं लक्ष्मीनाथ, बोलते हैं सबसे पहले एक शॉप खरीद लो ताकि अगर बिजनेस फ्लॉप भी हो गया तो हमारे पास एटलीस्ट हमारी शॉप रहेगी। तो वो अंडर कंस्ट्रक्टिंग मॉल रहता है उसमें कॉर्नर की 2000 square feet की शॉप वो बाय कर लेते हैं। तो वो शॉप को बाय करते हैं, शॉप को अकाउंट में बिल्डिंग वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसमें हम बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग। तो वो 50 lakhs की बिल्डिंग बाय कर लेते हैं। लक्ष्मीनाथ बोलता है अब क्या करना है, तो वो बोलता है अब इसमें आप फर्नीचर बाय कर लो। तो वो फर्नीचर बाय करते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं वो 25 lakh rupees का। वो बोलते हैं अब क्या करना है, तो अब बोलते हैं इस पूरी शॉप को गोल्ड से भरना पड़ेगा, जिसके पास जिसके लिए हमें गोल्ड मर्चेंट के पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, कारीगरों से पूछना पड़ेगा कि इसमें कितने का गोल्ड आएगा, कितना गोल्ड आएगा, कैसी कैसी ज्वेलरी आप बना सकते हैं। तो जो कारीगर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो बताते हैं इस पूरी शॉप को भरने के लिए 8 kgs ऑफ गोल्ड की रिक्वायरमेंट है। कितने केजी ऑफ गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, 8 kgs, तोले वोले में नहीं चाहिए, केजीस में चाहिए, 8 kgs ऑफ गोल्ड। और 1 kg ऑफ गोल्ड आता है 50 lakhs का, तो 8 kgs ऑफ गोल्ड आएगा 4 crore का, राइट, 4 crore rupees का गोल्ड आएगा। तो बद्रीनाथ बोलता है कि यार मेरे पास तो उतने पैसे है ही नहीं, अब मैं ये 4 crore का गोल्ड कहाँ से लाऊंगा। फाइनली फिर लक्ष्मीनाथ उसकी हेल्प करता है और बोलता है कि देखो अभी आप कुछ पैसा दे दो, बाकी हम क्रेडिट में उधार में गोल्ड खरीद लेंगे और फिर हम उसका यूज कर लेंगे और धीरे धीरे हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं गोल्ड खरीदते हैं, जिसको हम बोलते हैं परचेजेस करते हैं। वो तो परचेजेस वो दो तरीके से करते हैं, एक वो कैश में करते हैं और एक वो क्रेडिट में करते हैं। क्रेडिट में मतलब जिससे हम उधार में खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। तो 50 lakh rupees वो पेमेंट कर देता है कैश में, बाकी 350 lakh rupees जो होते हैं वो किस में खरीद लेता है, क्रेडिट में। और जिससे हम क्रेडिट में खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, क्रेडिटर्स। जिससे हम उधार में खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो 350 lakhs के क्रेडिटर्स हो जाते हैं ना। दुबई से गोल्ड बुलवाता है, मान लो दाऊद ही से गोल्ड बुलवाता है पक्के बिल के साथ, तो गोल्ड आ जाता है। ओके, हाँ, दाऊद बिल नहीं देता वैसे। चलिए, देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर से आपने गोल्ड खरीद लिया, आपका गोल्ड पूरा भर गया। बोला अब क्या करूं, बोला इसके बाद आपको सेल्स मैन और सेल्स गर्ल रखनी पड़ेगी शॉप में। तो बोला ठीक है, 5 sales boy और 5 sales girls को अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, बोला अब क्या करें, अब तो बिजनेस में सब कुछ है, सेल्स बॉय है, सेल्स गर्ल है, पूरा फर्नीचर है, AC है, TV है, सोफा सेट है, हमारा पूरा गोल्ड भरा हुआ, अच्छी अच्छी डिजाइन है, सारा मंगलसूत्र वगैरह, रिंग्स, नेकलेस, पूरी शॉप चमाचम भरी हुई है, और अब हम अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो बोला नहीं, अगर आप अभी दुकान खोलोगे तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आपकी शॉप है, तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं अपने गांव से ठेला ले आता हूं, उसमें वो स्पीकर लगाता हूं और पूरे शहर में घुमाता हूं। बोला नहीं, मुंबई जैसे शहर में ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं की जाती है, यहां पे हमें एडवर्टीजमेंट एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, उसको हम 25 lakh rupees देंगे, वो पूरे शहर में होर्डिंग्स लगा देगा, TV पे तुम्हारे ऐड आएंगे, रेडियो पे भी ब्रॉडकास्टिंग होगा, पैम्पलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बैनर्स लगाए जाएंगे, और एक अच्छी सी एक्ट्रेस के साथ हम ओपनिंग करेंगे, मान लो आलिया भट्ट के साथ हम ओपनिंग करेंगे। तो हम कोई पर्टिकुलर डेट सेट करते हैं, आलिया भट्ट को साइन कर लेते हैं, 5 lakh rupees उसको देते हैं, एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, उसमें ओपनिंग करेंगे, तो अच्छे अच्छे लोग आएंगे और पूरे शहर को आपकी शॉप के बारे में पता चल जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। तो एक खर्चा फिर वो करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट कितने के एडवर्टीजमेंट करते हैं, 25 lakhs के एडवर्टीजमेंट करते हैं, और एक पर्टिकुलर डे पर ग्रैंड ओपनिंग करके शॉप को ओपन कर लेते हैं। तो शॉप बहुत सक्सेसफुली ओपन होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी वो बाय करके जाते हैं, अराउंड 30-40% फर्स्ट डे पे ही उसकी ज्वेलरी सोल्ड हो जाती है। इसी तरीके से पूरे महीने उसकी ज्वेलरी सोल्ड होती रहती है और एक महीना ऐसे ही निकल जाता है। जब एक महीना निकलता है तो उसको कुछ सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी किसको देगा वो, यस, सेल्समैन और सेल्स गर्ल जो थे, 10,000 per month के हिसाब से 1 lakh rupees उन्होंने सैलरी दी 10% को, और जो हमारे पास कारीगर थे उनको वेजेस पे करेगा, जिन्होंने ज्वेलरी बनाकर दी हुई थी तो उनको वेजेस पे करता है 50,000 एक महीने की, 50,000 rupees उनको हम वेजेस पे करते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं 10,000 रुपीज का, और टेलीफोन का बिल आता है तो वो टेलीफोन के बिल पे करते हैं, गार्ड को सैलरी पे करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के खर्चे वो करते हैं। तो वो कुछ खर्चे मैंने अभी आपको लिख के बताए हैं, ये 350 लाख रुपीज थे। तो ये सारे खर्चे वो एक महीने बाद करते हैं। एक महीने बाद बद्रीनाथ वापस से लक्ष्मीनाथ वापस से बद्रीनाथ के पास आता है और बोलता है कि बताओ आपने प्रॉफिट कितना कमाया। तो बद्रीनाथ बोलता है कि मेरे को नहीं पता मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लोग डेली कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारा पैसा लेकर देकर जाते हैं, और मेरे को थोड़ा थोड़ा पेमेंट करनी पड़ती है खर्चों की, वो मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा पुराना बकाया है वो भी देता रहता हूँ, लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना। तो लक्ष्मीनाथ बोलता है कि ऐसा नहीं होता है, आपको सब चीज़ को लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको बता पाएंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो बद्रीनाथ क्या करता है, ही स्टार्टेड राइटिंग ऑल एंड एवरी एक्टिविटी इन अ बुक इन अ रजिस्टर। ही बायस वन बिग थिक रजिस्टर एंड स्टार्ट राइटिंग। मॉर्निंग 7 o'clock में उठा, 7:30 पे मैं फ्रेश हुआ, 8 o'clock मैंने ब्रेकफास्ट किया, 8:30 पे मैं शॉप आ गया, 8:30 को शॉप आके मैंने शॉप की सफाई करवाई, 9 o'clock से मेरे पास कस्टमर आने लगे, मैंने 5,000 की रिंग बेची, 10,000 का मग नेकलेस बेचा, 12 बजे मेरी बीवी का कॉल आया, खाने में क्या खाओगे, मैंने कहा टंडे की भाजी नहीं बनाना, मैं नहीं खाता हूँ, 2 बजे मैं खाना खाने गया, 4 बजे मैं उठा, फिर मेरे पास इतने का कस्टमर आया, फिर इतने का कस्टमर आया, फिर इतने का कस्टमर आया, फिर मैंने ये पेमेंट करी, रात को 10 बजे मैंने अपनी शॉप बंद करी। पूरा मंथ वैसे लिखता है, और एक महीने बाद वापस से लक्ष्मीनाथ को बुलाता, लक्ष्मीनाथ आता है उसकी शॉप पे, बोलता है बद्रीनाथ इस महीने तुमने लिखा, बोलता है बराबर लिखा, पूरा लिखा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिखा। तो बोलता है बताओ तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ। बद्रीनाथ बोलता है वेट अ मिनट, वो एक रूम में जाता है, अपने आप को लॉक कर लेता है और 3 घंटे खोजता रहता है, पढ़ता रहता है, देखता रहता है, और बोलता है आके कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ ये मुझे नहीं पता, मैं कैसे निकालूं मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पर भी वो प्रॉफिट नहीं बता पाता है, मतलब वो लिख तो रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं पता चल रहा। तो दोस्तों आप क्या मुझे बता सकते हो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। एक डेटा मैंने और इसमें छोड़ दिया, उसकी सेल्स, तो मान लेता हूँ मैं उसकी जो सेल्स हुई है वो हुई है 400 लाख की, 400 लाख की सेल हुई है, मतलब उसके पास 50 लाख की उसने बिल्डिंग खरीदी थी, 25 लाख का फर्नीचर लिया था, कुछ एडवर्टीजमेंट 25 लाख लिए थे, उधार में खरीदा था, कैश में खरीदा था, ये सारे खर्चे करे थे, सेल्स हुई थी इतनी, और अब आपको मुझे बताना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। कोई बता सकता है मुझे कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ? आपको सारा डेटा दिया हुआ है, आप मुझे बताइए आपको प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा लेट मी डू वन थिंग, मैं काम करता हूँ, मैंने ये जो फिगर्स लिखे हैं मैं ये रफ कर देता हूँ, और अब आप मुझे बताइए कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। फिगर्स मैंने सब रफ कर दिए, और आप मुझे बताइए कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। आप नहीं बता पाएंगे, और अगर आप बता भी देंगे तो वो एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज ह्यूमन माइंड, हम थोड़ी थोड़ी बातें स्टोर करते जाते हैं, आपने स्टोर करा होगा बिल्डिंग इतने की, इसने इतने के, इतने खर्चे, बट ये थोड़े से एक्सपेंसेस मैंने दिखाए हैं। एक नॉर्मल बिजनेस में रेगुलरली बहुत सारे खर्चे होते हैं, और ये सारे खर्चे हम एक साथ रिकॉर्ड माइंड में स्टोर नहीं कर सकते अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और रिकॉर्ड अगर आप बद्रीनाथ के जैसे करोगे तो भी आप उसको नहीं कर सकते। इसीलिए अकाउंटिंग, वाई इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज which gives you the rules and regulations how to write these expenses and incomes in a business, ताकि आप properly बता पाओ कि profit क्या है, losses क्या है, आपके assets क्या है, आपकी liabilities क्या है, आपकी financial position क्या है। ये सारे objectives जो हैं वो आपको पता चल पाएंगे। आपके पास notes दिए हुए हैं, मैं आपको notes से एक बार read करवा दे रहा हूँ। तो what are the objectives of accounting and these are the objectives are the answers, is the answers for why is accounting, why accounting is required। So, आप अपने नोट्स में देखिए।